हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास टेंथ मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीट किया था। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो फॉलोइंग प्रॉब्लम दी गई है उसमें लीनियर इक्वेशन से एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर फाइंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाई द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो हमें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम यहाँ से सोल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट में सोल्व करवाया था ना प्रीवियस वीडियो में, वैसे ही। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास इक्वेशन दी गई थी, यहाँ पर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उनको पढ़ते हुए रीड करते हुए अच्छे से हमें इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। और जब इक्वेशन बन जाएगी तो वो फर्स्ट क्वेश्चन में जो पार्ट किए थे सेम वैसे ही हो जाएगा फिर क्वेश्चन, फिर उसको सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही सोल्व करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी चैप्टर कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर कर लेना चाहिए, कुछ क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक होता है, जो हमारे चैप्टर में इम्पोर्टेंट टर्म होती है वो यूज की हुई होती है, हर चीज़ के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन दो पार्ट में करवा रखा है, उसकी वीडियो देखे देन एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट नंबर फर्स्ट। क्या दिया गया हमारे पास, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और उसके डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन रिड्यूस होके किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है, इट बिकम 1/2, यह फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है, कब बनते हैं, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब उस फ्रैक्शन का हमें न्यूमिनेटर पता चल जाए और उस फ्रैक्शन का हमें डिनोमिनेटर पता चल जाए तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जो फाइंड आउट करना होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, उसको लेट करके चलेंगे एक्स एंड वाई। तो पहली इक्वेशन, पहली लाइन तो क्या होगी, लेट अस सपोज दैट, हम सपोज करके चलते हैं दैट द न्यूमरेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई। हमने लेट कर लिया उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एक्स है एंड डिनोमिनेटर वाई है, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताओ, देन फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या है एक्स, डिनोमिनेटर क्या है वाई, तो फ्रैक्शन क्या आ गया एक्स बाई वाई आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली लाइन से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, सेकेंड लाइन से सेकेंड इक्वेशन बनेगी। तो फर्स्ट लाइन को केयरफुली रीड करना है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो फ्रैक्शन रिड्यूस होके क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ये बात समझ में आई? न्यूमिनेटर में वन ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस इसके नीचे कुछ नहीं है, वन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस वन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और वाई माइनस वन की वन से करेंगे तो यही आएगा। अब वेरिएबल को लेफ्ट साइड में एक्स माइनस वाई, कॉन्स्टेंट को राइट साइड में माइनस वन, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन टू हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। अब सेकेंड इक्वेशन सेकेंड लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि फ्रैक्शन इट बिकम वन बाई टू, फ्रैक्शन वन बाई टू बन जाता है इफ एंड ओनली इफ हम डिनोमिनेटर में सिर्फ वन ऐड करते हैं। न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में वन ऐड करना है तो फ्रैक्शन क्या बन गया, वन बाई टू के इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में वन ऐड करना है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन निकालेंगे, एक्स की टू से मल्टीप्लाई टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन की वन से वाई प्लस वन। देन हम वेरिएबल को राइट साइड में रखेंगे, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखो, अब हम करेंगे पहला स्टेप। अब जैसे प्रीवियस पार्ट में किया हुआ है ना, पहले क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स किए थे उनमें हमने सोल्व किया था। अब तक तो हम पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट तक पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पर तो ये इक्वेशन दी गई थी और यहाँ पर हमें ये इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का की तरह ये पार्ट शुरू हो गया। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट देखते हैं दोनों इक्वेशन में, यहाँ पर तो वन है यहाँ पर टू है। फिर हमारा दूसरा काम क्या होता है, दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करना। तो ये तो टू है ये वन है, अगर इक्वेशन फर्स्ट को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी टू आ जाएगा इधर भी टू आ जाएगा, दोनों एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय टू। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई किया है, टू, किस लिए, टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर इक्वल। एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन इसको टू से करेंगे तो टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस फोर। क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर थ्री नाम दे देंगे। अब हमारा क्या, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री देखो, दोनों में इधर इस सेकेंड इक्वेशन को तुम चाहो तो इधर भी लिख सकते हो एज इट इज, नहीं तो तुम यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में तो दोनों वेरिएबल में दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट इक्वल कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है हमारा, कि सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड में से इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट करनी है। किस लिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम, टू एलिमिनेट एक्स, एक्स को एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो करो, थ्री को ऊपर लिखेंगे टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस फोर। अब सेकेंड लिखो टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। अब सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएंगे, फिर क्या होगा, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, माइनस टू वाई और प्लस वाई माइनस वाई
माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना होता है, पुट द वैल्यू y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम y की जगह 5 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू है, तो इस इक्वेशन में जब y दिखाई दे रहा उधर 5 रख लेंगे, तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस फाइव इधर प्लस फाइव हो जाएगा, माइनस टू प्लस फाइव क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो न्यूमरेटर तो क्या हो गया, न्यूमरेटर क्या हो गया, x की वैल्यू 3, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, x की y की वैल्यू क्या है, 5। तो हमारा देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन y, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 अपॉन 5 आ गई। ये हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट किया कि कैसे फ्रैक्शन बना। सबसे पहले तो हम सपोज करके चले जो फाइंड आउट करना था, फिर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीड करते हुए हमने पेयर ऑफ इक्वेशन बनाई है, देन इक्वेशन को पहले क्वेश्चन के पार्ट की तरह सोल्व करते हुए हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, 3 अपॉन 5। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।